नहीं करना चाहते जो हमारे साथ बीत गए। हमारे तो बच्चे हैं इसलिए हम जेल आ रहे हैं, नहीं तो हम तो इस दुनिया में रहना नहीं चाहते। खुल्ला बोलते हैं कि मैं गृह मंत्री का आदमी हूँ, कहीं पुरबा की झाड़ियों में, कहीं हमारे घर में, कहीं बुलाते थे रीवा में, कहीं 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 करीब हम 6-7 महीने उनके शोषण किए, वो हमारा फायदा उठाएं। सर ये नीलमणि SDM नहीं है, ये गुंडागर्दी करते धमकाते हैं, इनके खिलाफ कोई नहीं बोल पाता, कौन बोलेगा, कौन अपनी नौकरी, मैं तो बोली थी तो मेरी नौकरी भी चली गई, मैं जेल चली गई, मेरा घर भी कर गया। शर्मनाक बात है मित्र विधायक KP त्रिपाठी कि आपको जो है अपने अपने मित्र के लिए इस प्रकार नहीं किया, न्याय उसको नहीं मिलता तो मैं सड़क में उतर के धरना आंदोलन प्रदर्शन करूंगा। नमस्कार, विराट 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्वर्णिमा, एक बार फिर एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही में ये भारतीय न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। हमारे तो बच्चे हैं इसलिए हम जेल आ रहे हैं, नहीं तो हम तो इस दुनिया में रहना नहीं चाहते। ये कहानी एक ऐसी महिला शिक्षिका की है जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए महिला बाल विकास की नौकरी करती है, लेकिन विरोधियों को ये नागवार गुजरा और उसे विवश करके उसकी इज्जत तार तार कर दी। उसकी मजबूरी का फायदा अधिकारियों का एक दलाल और स्वयं अधिकारी ने उठाया और इतना मजबूर कर दिया कि आज वह बेबस अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार के लिए दर दर भटक रही है। महिला अपने परिवार का जहां भरण पोषण करने के लिए उसने अपनी इज्जत तक दांव में लगा दी, वहीं दुराचारियों ने उसका सब कुछ लूटने के बाद उसे सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया। 1 साल से अधिक सलाखों के पीछे रहने के बाद जब उसे आजादी मिली तो अब उस पर जान का खतरा बना हुआ है, क्योंकि हम वो सब याद भी नहीं करना चाहते जो हमारे साथ बीत गए। हमारे तो बच्चे हैं इसलिए हम जेल आ रहे हैं, नहीं तो हम तो इस दुनिया में रहना नहीं चाहते। एक नौकरी के लिए अरे कहीं हम झाड़ू पोछा करते तो कर लेते, अपना परिवार चला लेते। ये नौकरी इसलिए नहीं मरते कि नौकरी करने के चक्कर में हमको कहाँ से कहाँ कि किस तरह के इस्तेमाल किया जाएगा। तो है अपने अपने मित्र के लिए इस प्रकार नहीं किया, अगर ये जैसा भी है उसका इसको तत्काल इसकी जांच कराना चाहिए, बहुत बड़ा आरोप है। और इस मामले को लेकर मैं जो है सड़क पे उतरूंगा, महिला मेरे जो जब भी चाहेंगी मेरे लोगों से संपर्क हुआ उनसे और वो बोली हैं जब रीवा आएंगी संपर्क करेंगे, और प्रशासनिक अधिकारियों का मैं जरूर दबाव बोलूंगा अपनी तरफ से, और अगर ऐसा नहीं होता न्याय उसको नहीं मिलता तो मैं सड़क में उतर के धरना आंदोलन प्रदर्शन करूंगा। दरअसल मामला सिमरिया विधानसभा क्षेत्र का है जहां एक महिला निजी विद्यालय में नौकरी करती थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की एक जगह निकली तो उसने विद्यालय की नौकरी छोड़कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी पकड़ ली। साजिश का दौर वहां से शुरू हुआ जब दूसरे नंबर पर रही अन्य महिला के पति ने साजिश रची और उसके निवास प्रमाण पत्र को झूठा साबित करने के लिए शिकायत दर्ज करा दी। उक्त शिकायत सिरमौर SDM के पास पहुंची जो महिला के लिए सबसे काला दिन साबित हुआ। महिला SDM के पास पहुंची तो उसका निवास प्रमाण पत्र निरस्त ना करने के नाम पर शोषण शुरू हो गया और लंबे समय तक कभी पूर्वा फॉल तो कभी पूर्वा फॉल रेस्ट हाउस तो कभी महिला के घर और कभी कभी SDM के रीवा आवास में महिला के साथ शोषण होता रहा। सब कुछ गंवाने के बाद भी महिला का निवास प्रमाण पत्र झूठा साबित कर दिया गया। इसके बावजूद जब महिला न्याय के लिए दर दर भटकती रही तो SDM के द्वारा अपने रीवा स्थित आवास के पड़ोसी मधुकर अग्नय से उसका संपर्क कराकर निवास प्रमाण पत्र वैध कराने का लालच दिया गया, लेकिन महिला जब उक्त अधिकारी के पास पहुंची तो उसके द्वारा बताया गया कि मामला कमिश्नर के यहाँ का है, इसमें SDM का कोई रोल ही नहीं है, जिसके चलते उसने SDM के करतूतों की शिकायत करनी शुरू की ही थी कि महिला के खिलाफ सिमरिया थाने में आनन फानन में धारा 420, 467 और 68 के तहत मामला पंजीबद्ध कर उसे हिरासत में ले लिया गया और सलाखों के पीछे पहुँचा दिया गया। वहीं महिला जो अपनी नियुक्ति के लिए भटक रही थी, जिसके साथ साजिश रचकर दस्तावेज अमान्य घोषित कर दिए गए थे, उसके दस्तावेज कमिश्नर कार्यालय में हुई जांच में वैध पाए गए, लेकिन महिला सलाखों के पीछे पहुंच गई थी। महिला 13 महीने जेल की हवा खाने के बाद जब बाहर निकली तो अब
उस पर जान का खतरा मंडरा रहा है। महिला ने कई बार थाने से लेकर स्थानीय विधायक और पुलिस अधिकारियों से शिकायत की और आरोप लगाया कि उसके साथ एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री शारीरिक शोषण कर रहे हैं, लेकिन एसडीएम का नाम आते ही सिमरिया थाने से लेकर जिले तक महिला की सुनवाई नहीं हुई। अपना सब कुछ गवा चुकी महिला को जब कहीं न्याय नहीं मिला तो वो मानवाधिकार से लेकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक उसने शिकायतें करी। महिला को उस समय न्याय की एक आस जगी जब महिला आयोग से रीवा एडीजी कार्यालय जांच पहुंची। उस वक्त आनंद फानन में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर और महिला थाना प्रभारी ने पीड़िता का बयान दर्ज किया। चूंकि मामला एसडीएम से जुड़ा हुआ था, इसके चलते बयान लेने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। लंबे समय से भटक रही पीड़ित महिला के संबंध में जब हमें जानकारी हुई तो हमारी टीम उसके घर पहुंची। उस वक्त महिला के आंसू नहीं रुके। महिला ने बताया कि कई मीडिया वाले आए और उसके बयान दर्ज किए गए, लेकिन किसी ने भी एसडीएम के खिलाफ खबर दिखाने की हिम्मत नहीं की, जिसके चलते अब उसे जान का खतरा भी बना हुआ है। महिला अपनी दो बच्चियों को लेकर रह रही है, जिसे बार बार जान से मारने की धमकी दी जा रही है और कोशिश भी की गई है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं वह पीड़ित महिला की कहानी। आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या यही देशभक्त जनसेवा और जनसेवा की कसम खाने वाले अधिकारियों का असली चेहरा है। हमारी दो बच्चे हैं, इसलिए हम जेल आ रहे हैं, नहीं तो हम तो इस दुनिया में रहना नहीं चाहते। एक नौकरी के लिए अरे कहीं हम झाड़ू पोछा करते तो कर लेते, अपना परिवार चला लेते। ये नौकरी के लिए नहीं मरते कि नौकरी करने के चक्कर में हमको कहाँ से कहाँ कि किस तरह के इस्तेमाल किया जाएगा। कहीं कभी कहाँ ये सब करते हुए उनके पीछे पीछे हम घूमते रह गए। लास्ट में निवास खारिज कर दिए, और जब खारिज कर दिए तो फिर हम जब उनसे पूछे तो वो बोले कि वो आप हमारे सिविल लाइन के पड़ोसी हैं, मधुकर आग्ने कमिश्नर साहब, वहाँ लगा दीजिए, हम वहाँ से आपको करवा लेंगे। एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री बोले जी। तो फिर हो गया नीलमणि अग्निहोत्री एसडीएम महोदय के पीछे पीछे फिर से कि लालच बस कि हम नौकरी लग। उधर हमारा 15 फरवरी को निरस्त करते हैं और 18 फरवरी को उसको ज्वाइन करवा लेते, 3 दिन बाद है। जबकि हमारी 15 जनवरी को नियुक्ति हुई थी 2019 में, तो हमको 15 फरवरी तक एक महीने में ज्वाइन ऑर्डर नहीं मिला और उसको 3 दिन में ज्वाइन ऑर्डर मिल गया। अब जब ये उनके मधुकर अग्ने के यहाँ लगवाए तो हो गया, हम देखें सब वकील वकील के माध्यम से किए, अब देखें कि इसमें एसडीएम महोदय का हमारे निर्माण में उतनी कोई रोल है नहीं है, तो हम उनको इग्नोर करने लगे। हो गया वो धमकी पटकी देने लगे। हम आके जबकि यहाँ जगदीश दाहिया थी थाना प्रभारी, उनसे भी इनकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने लिखित में कोई कार्रवाई नहीं की। वो लिखे हो गया कि वो हम करेंगे, देखेंगे, हम इसमें कार्रवाई करते हैं, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। आपने उनको बताया था कि मेरे साथ ने ऐसा शारीरिक शोषण किया है? साहब हम उनको लिखित में दिए थे शारीरिक शोषण किया जी जी, पूरी एप्लीकेशन बना के, तभी तो पता चला कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला। तो हम वहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आपके महिला आयोग सब ऊपर, फिर उसमें हम रिसीप्ट भी रखे हैं जहाँ से भेजे हैं। हम जेल आ रहे हैं, नहीं हम तो इस दुनिया में रहना नहीं चाहते। पूरी घटना बताइए, किस तरह से आप सर्विस में थी, कैसे आप सर्विस छोड़ना पड़ा और लास्ट में आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में नियुक्ति हुई, तो क्यों हटाया गया? जी, मैं 2008 से 18 तक अति शिक्षक हटा हाई स्कूल में थी, और 18 में आंगनबाड़ी की जगह देवरी गाँव में निकली हमारे ससुराल में, तो हम उसमें अपना फॉर्म अप्लाई किए, उसमें 7 आवेदन थे, 7 आवेदन में हमारा सिलेक्शन हो गया ब्लॉक से, और दूसरे नंबर में प्रियम सिंह पति प्रकाश सिंह वकील एडवोकेट थे, जो कि जब मेरी नियुक्ति हो जाने के कारण वो उससे ईर्षा बस कि इनकी नियुक्ति न हो, उनकी मैसेज की नहीं हो पाई, इसलिए वो हमारा निवास चैलेंज किए यहाँ एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री एसडीएम महोदय सिमरिया कोर्ट में। और जब हमारी नियुक्ति इसमें हो गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में, तो उन्होंने यहाँ जब निवास में चैलेंज किया, हो गया हमको जब पता चला कि हमारे निवास को चैलेंज कर रहे हैं, तो हम क्या गए चैलेंज किया था निवास कि ये देवरी की निवासी नहीं है, देवरी की निवासी नहीं, जबकि मेरी ससुराल है, 2001 में मेरी शादी हुई है वहाँ। वो बोल रहे हैं कि उनकी यह निवासी यहाँ देवरी की नहीं है।
जी, अब जब हमको जानकारी मिली, संबंध मिला, तो हम उनके पास गए, उनके पास निवेदन करने गए कि सर ये नौकरी का प्रकरण है, इसलिए ये मतलब जो ऐसे ईर्ष्या बस कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, पूरे डॉक्यूमेंट सम्मिलित करके गए, दिखाए, दिए, हो गए। वो बोले कि आप परेशान ना हों, हो गया, कुछ नहीं होगा, उनकी सहानुभूति हमारे साथ दिखी, बस हम उनके निवेदन के चक्कर में, वो बोले आप पूरे कागज़ लेकर रीवा आइए, हम उनके पास गए। कहाँ बुलाए? रीवा में, सिविल लाइन में, जहाँ उनका पता नहीं उनका खुद का मकान है या फ्लैट उनको मिला है जी। हम उनके घर गए, उनसे मिले, हो गए, उनका बर्ताव व्यवहार कुछ अच्छा नहीं दिखा, वो तो उनके निगाह में कुछ और चल रहा था, हमको लगा कि अधिकारी है। अरे वो हमारे साथ बहुत बड़े नाइंसाफ़ी किए, वो हमारा शारीरिक शोषण किए, कभी उस चक्कर में हम 6-7 महीने उनके पीछे पीछे बस अपने निवास के उसमें कि हमारा निवास स्थायी रहे, इस निवास न खारिज हो, जब भी कहीं कहीं पुरबा की झाड़ियों में, कहीं हमारे घर में, कहीं बुलाते थे रीवा में, कहीं 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 कहीं, करीब हम 6-7 महीने उनके इसी साजिश का, जी जी, साजिश का शिकार हो गए, वो हमारा शारीरिक शोषण किए, वो हमारा फायदा उठाएं। उसके बावजूद भी उन्होंने 6-7 महीने में करीब पता चला हमको कि हमारा निवास खारिज हो गया। जब निवास खारिज हो गया तो हम उनके पास आना जाना छोड़ दिए, उन्होंने हमको धमकी भी दी उल्टी सीधी, लेकिन उसका शिकायत लेके हम थाना प्रभारी सिमरिया गए, वो बोलने लगे कि वो हो गया आपकी लिखित कार्रवाई, हम उसमें लिखित आवेदन दिए, वो बोले आपके कार्रवाई करेंगे, हो गए, हमसे बोले, लेकिन वो जब पता चला कि वो नीलमणि SDM का प्रकरण है, कोई भी कुछ करने के लिए उसमें तैयार नहीं था। कहाँ कहाँ शिकायतें की हैं आप? हमसे मरिया प्राथमिक इसमें थाना, जी जी, प्राथमिक थाना जाके मैं TI साहब थे, उनके पास लिखित दिया और मौखिक भी बताए, वो बोले हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसमें कोई लिखित में कार्रवाई नहीं किए, मौखिक बल्कि उनको जानकारी दे दिए, तो फिर से हमको वो बोलने लगे कि आप अपना निवास लेके आइए, हमारे पड़ोसी हैं वो मधुकर अग्नि, नीलमणि अग्निहोत्री बोले, जी जी, बोले कि हमारे पड़ोसी निवासी हैं, हमारे बगल से रहते हैं मधुकर अग्नि, तो हम उनके यहाँ आपका लगवा देंगे, उनसे जितवा देंगे, आप इधर उधर हमारे खिलाफ ना करिए, नहीं आपको महंगा पड़ सकता है। और हम उनकी धमकी से कुछ डर बस कुछ लालच बस यहाँ वहाँ शिकायत नहीं की, बस उनके पास आना जाना और उनका बस वही उनकी मनमानी चलती रही, शारीरिक शोषण करते रहे। लेकिन जब मधुकर आग्ने से वकील के माध्यम से पता चला कि इसमें नीलमणि अग्निहोत्री का कोई हाथ नहीं है, तो फिर हमने उनके पास आना जाना छोड़ दिया और वहाँ से हमारा निवास भी स्थाई हो गया। और जब निवास स्थाई हो गया तो यहाँ हम कलेक्टर के साहब के यहाँ लगा के अपनी नौकरी, जब लगाए नौकरी के लिए हमारी नौकरी भी बहाल हो गई, ये उसकी मिसेज की वकील की मिसेज की नौकरी छूट गई और हमारी नौकरी लग गई। और जब हम ज्वाइन होते हैं 27 दिसंबर 2019 में हमारी कलेक्टर साहब के यहाँ से नियुक्ति हुई, तुरंत उन्होंने 15 जनवरी को 2020 में आपके नीलमणि SDM महोदय और प्रकाश सिंह एडवोकेट प्रियम सिंह मिल करके, और वहाँ जब उनको पता चला कि हमारी शिकायत हो रही है कहीं और ना हो, तो उन्होंने हमको धमकाया भी और हमारे खिलाफ 420, 467, 468, 471 का मुकदमा लगवा दिए। जबकि आपका निवास प्रमाण पत्र सही हो चुका था, ज्वाइन भी मिल चुकी जी, मेरी निवास प्रमाण पत्र कमिश्नर साहब के यहाँ से सही है जी। जब आपका शारीरिक शोषण कर रहे थे, बुला रहे थे, तो कौन कौन रहते थे, कहाँ कहाँ किया? वो कभी पुरवा की झाड़ियों में, कभी हमारे घर आए थे, घर भी आते थे जी, हेलमेट लगा के दोपहिया वाहन से, और कभी वहाँ सिविल लाइन में बुलाएं, तो उनके गेट में गेट मैन रहता, तो उनके घर में कोई नहीं रहता था, बस इधर से पीछे से बोले वो सामने कैमरा हाँ आप मत आइएगा, इधर उधर करके उन्होंने 6-7 महीने तक हमारा यही शारीरिक शोषण किया और हमारा निवास भी खारिज कर दिया और हमारे ऊपर 420 का मुकदमा लगवा के हमको जेल भी भिजवा दिए, हमारी नौकरी भी नौकरी से। जब कमिश्नर के यहाँ से आपका निवास सही हो गया था, तो फिर नीलमणि अग्निहोत्री कैसे निरस्त कर दिए? नीलमणि अग्निहोत्री तो पहले खारिज किए हैं यहाँ से मरिया SDM, पहले तो यहीं लगाया जाएगा, जब इन्होंने खारिज कर दिया तब हम वहाँ इनके पास गए, ये इसी बीच में मामला दर्ज करा के आपको जेल भिजवा दिया जी। ये विंध्या हॉस्पिटल में इनके बालक हुआ था और इनका दलाल है वो प्रकाश सिंह वकील जो है, तो इनके कोर्ट में दलाल है, लाला के प्रकरण देता है और ये उनको जितवाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, बस इनका वो दलाल है पालतू, तो इनके इशारे में ये काम करते हैं और वो दलाल
ला के देता है, तो जो इनका काम होता है करते। ये टिफिन लेके हम, हमारे बुआ, हमारे बच्चे तीन लोग थे, तो ये टिफिन लेके प्रकाश सिंह वकील, इनके बालक हुआ था, बिंदे हॉस्पिटल में तब गए हैं। और हम महीने जेल में रही आप? हम 13 महीने या 10 दिन। कहाँ कहाँ शिकायत की? जब आप कहीं सुनवाई नहीं हुई, पुलिस यहाँ नहीं स्थानीय पुलिस सिमरिया नहीं सुनी, तो आप एसपी ऑफिस नहीं गई, और कहीं शिकायत की महिला आयोग? और जी सर, हम यहाँ कई जगह किए, वैसे भी हमको घर से निकलना मुश्किल है सर, ये इतना धमकाते डरवाते हैं, कहीं यहाँ हम पेशी जाते हैं तो ये हमको अपने आदमी लगा के, हम शिकायत किए हैं, लिए भी हैं, गाड़ी में टक्कर मरवा दिए, स्कूटी से जाते तो पीछे से गाड़ी हमारी गिरा दिए 2-3 जगह रास्ते में, सिरमौर आने जाने में जो भी शिकायत वो भी पड़ी है। ऑनलाइन से हमारे पति शिकायत किए तो ये फ़ोन लगा के सीधे बोलते हैं कि जिस तरह तुम्हारी पत्नी को जेल भिजवा हूँ तुमको भी भिजवा दूँगा, नहीं शिकायत वापस कर, ये खूब गुंडागर्दी में उतारूं है सर, ये नीलमणि एसडीएम नहीं है, ये गुंडागर्दी करते धमकाते हैं। हम अपने बच्चों को बाहर की हूँ, पति हमारे बाहर रहते हैं, बच्ची लेकर किसी तरह गांव में कहीं सिमरिया में छुप के रहती हूँ, बाहर निकलना मुश्किल है, कहाँ शिकायत करें? कहीं महिला आयोग में भी शिकायत की? कुछ आपको बुलाया गया? ये सब डाक घर से सर, पोस्ट ऑफिस जाके मैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और महिला आयोग कई जगह शिकायत की हूँ, जो कि आईजी साहब के पास आया है, वहाँ से एसपी ऑफिस में आया है, एसपी ऑफिस मुझे कथन के लिए बुलाया गया, लेकिन उसमें अभी तक 2 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि हम जानते हैं बाहर जो हो पाएगा तो हो पाएगा, और आप लोगों की इसमें बहुत बड़े योगदान होगा कि हमारी मदद करिए, आपके इस चैनल के माध्यम से अगर थोड़ा बहुत हमारा हो जाएगा, बाकी यहाँ कोई सुनने वाला ये ना सिमरिया में और रीवा में कोई कार्रवाई नीलमणि एसडीएम के खिलाफ नहीं होगी, क्योंकि वो खुला बोलते हैं कि मैं गृह मंत्री का आदमी हूँ, मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं करेगा, वो साफ साफ गुंडागर्दी करते हैं। मतलब आपको जान के लिए भी खतरा बना हुआ है? जी हम और हमारे बच्चों को बहुत जान का खतरा है, हम बच्चे को यहाँ नहीं बुलाते हैं, साफ साफ चेतावनी दिया है, तुम्हारे बच्चे और पति को जिस तरह तुमको जेल भेजा हूँ तो बच्चे को और पति को भेज दूंगा, क्योंकि मेरा बच्चा आर्मी पढ़ता है और मुझे डर है मैं एक दिन के लिए सिमरिया नहीं बुला पाती उसको, बड़े मुश्किल से मैं बच्ची को लेकर यहाँ, क्योंकि मैं इतनी वो समर्थ नहीं हूँ कि यहाँ से कहीं बाहर जाके अपना परिवार चला सकूँ, किसी तरह से मैं अपना जीवन धारण कर रही हूँ, नहीं तो वो यहाँ सीधे उठवा लेने की धमकी देता है, मैं उठवा लूँगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। किसी स्थानीय यहाँ के विधायक विधायक साहब ने शिकायत नहीं की और बताई नहीं? मैं विधायक जी के पास कम से कम 20 बार गई एसडीएम नीलमणि की शिकायत लेकर, लेकिन विधायक उसमें कोई योगदान नहीं है, बोल देते हैं हाँ करवा दूँगा सर, विधायक जी का पूरा सपोर्ट है नीलमणि अग्निहोत्री के साथ। कब से आपके साथ इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं नीलमणि अग्निहोत्री, कौन से सन से बात हो? 2018 से सर, अभी तक जारी है? जी, बीच में चले गए थे तभी तो मेरी नौकरी में ज्वाइनिंग हो गई थी, जैसे तुरंत आए तो अरे सर इनके खिलाफ कोई नहीं बोल पाता, कौन बोलेगा, कौन अपनी नौकरी, मैं तो बोली थी तो मेरी नौकरी भी चली गई, मैं जेल चली गई, मेरा घर भी कर गया, कौन बोलेगा, वो आपकी परियोजना मैडम बाबू सब डर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नील, हम तो बोल दिए नीलमणि आए कि उसको नौकरी क्यों ज्वाइनिंग करवाए, अगर उसको नौकरी में नहीं रखते, प्रियम को रख लेते तो वो जेल नहीं जाती, उसके जेल जाने कारण तुम लोगों कोई कुछ नहीं कर पाएगा जब तक नीलमणि अग्निहोत्री हैं। हम आप लोगों से यही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि ये नीलमणि अग्निहोत्री एसडीएम महोदय को यहाँ से दूर कर दीजिए, हम यही लिखित में भी मुख्यमंत्री आयोग, महिला आयोग में दिए हैं, प्रधानमंत्री आयोग में, कि इनको यहाँ से हटवा दीजिए, नहीं हमारे हमारे परिवार की जान को खतरा है, इन्होंने हमारे गांव तक प्रेशर किया, हमारे ससुर को मरवाए हैं गाँव में आदमी लगवा के, और हमारे ससुर यहाँ से छोड़ के सतना में किराए से रह रहे हैं। जब एसपी के पास गई थी आप, आवेदन आया था आपको भोपाल से, तो एसपी साहब से बताई है पूरी चीज़ें घटना? जी हम एसपी साहब से बताए हैं। कब बताई थी, कौन से सन की बात थी, एसपी से वो बयान हुआ आपका? जी अभी भी 22 में हुआ है सर, हमारे जेल से आने के एसपी यही थे, यही एसपी थे? नवनीत भसीन नहीं थे उसमें, एडिशनल एसपी थे सर, कोई सोनकर हैं, अनिल सोनकर। जी अनिल सोनकर ने बयान लिया है आपका? अनिल सोनकर लिए हैं जी, और साथ में उनके महिला थाना के टीआई साहब भी थी, और उनके सामने पूरी घटना बताई आपकी, आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, आपके साथ बुलाते थे यहाँ, शारीरिक शोषण किया? जी हम उनको एक एक बात बताए हैं खुलकर, क्योंकि इसीलिए वो महिला थाना से बुलवाए थे प्रभारी जी को, मैं उनको एक एक बात, उन्होंने एक एक बात करीब 4 से 6 पन्ने का बयान और 3-4 घंटे हमसे लिए हैं, और उसमें 2 महीने हो गए कोई कार्रवाई नहीं। हम उनसे भी बोल के आए थे सर कि सिमरिया और रीवा में नीलमणि एसडीएम महोदय के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, वो हमसे बोले थे कि नहीं होगी।
होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे दो पक्ष हैं, इसलिए हम जेल आ रहे हैं, नहीं तो हम तो इस दुनिया में रहना नहीं चाहते। सुना आपने, यह वह महिला है जो विगत कई वर्षों से विद्यालय में पढ़ा रही थी और बच्चों को अच्छे संस्कार दे रही थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनने की मंशा के उसके मंसूबों पर भी पानी फेरा गया और अब उसका सब कुछ खो चुकी है। वो अब अपने दो बच्चियों के साथ पति की जान की परवाह के लिए दर दर ठोकरे खा रही है और कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। उक्त मामले को लेकर महिला ने बताया कि सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी से भी वह मिली थी इस सिलसिले को लेकर, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। उक्त मामले को लेकर जब सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से ही प्रत्याशी रहे आप पार्टी के प्रमोद शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है, शीघ्र ही वह महिला को न्याय दिलाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे। आइए सुनाते हैं आम आदमी पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने मसले पर क्या कहा। खेल आ रहे हैं, नहीं तो हम तो इस दुनिया में रहना नहीं चाहते। प्रमोद जी, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र आपका भी विधानसभा क्षेत्र रहा, चुनाव लड़े, इस क्षेत्र में एक महिला है जिसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया, वो भी एसडीएम नीलमणि निहोत्री पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं रही, हर जगह भटक चुकी महिला आयोग से लेके जहां तक उसकी समर्थ हुई, क्या मामला है और किस तरह से उसको न्याय नहीं मिल पा रहा? ये मामला मेरे पास भी संज्ञान में अभी जो है मुश्किल से 6-7 दिन पहले ही आया है और इस पे जो है महिला ने बताया, ये मैंने खुद बात भी की, फ़ोन पे कंफर्म करने की कोशिश की मैंने, आजू बाजू जहाँ पर ये रहती है उसके बाजू बाजू लोगों को मैंने पता लगाया और ये मामला एक्चुअली ऐसा है कि इस पे जो है प्रशासन को गंभीरता के साथ में इस मामले को लेना चाहिए, क्योंकि ये किसी महिला के साथ में जुड़ी घटना है और वो भी एक प्रशासनिक अधिकारी जो कि मुखिया है अपने सेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मामला है और नीलमणि अग्निहोत्री का पहले भी कई मामलों में ऐसा आता रहा, लेकिन ये मामले में जिस प्रकार से महिला ने बताया मुझे, मैंने स्वयं बात की तो, और महिला आयोग से वो आया हुआ है आईजी के यहाँ से अभी पेशी हो चुकी है, उनकी ली गई, ये बेहद ही गंभीर मामला है और इसमें जो है प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेते हुए, ये जिस प्रकार की महिला ने मुझे बताया कि उसके काफ़ी दिनों से भटक रही है, वो पेपर कई मीडिया वालों को उन्होंने दिया, वो कई समय तक वो बोल बता रही कि 13 महीने तक मैं जेल में रही और जिस प्रकार से उसके साथ में सिर्फ इस बात के लिए हो गया क्योंकि वो सर्विस करती थी, नौकरी करती थी, उसका एक रिकॉर्ड ख़राब करने के पीछे जो है जिस प्रकार से उसका जो बता रही है वो कि मेरे साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ उनके साथ में और ये गंभीर आरोप जो है वो लगा है नीलमणि अग्निहोत्री एसडीएम सिरमौर के ऊपर, तो ये बेहद गंभीर मामला है। प्रशासन से मैं चाहूँगा कि ये उनका कहना भी है, मैं भी उनके साथ में हूँ, महिला के साथ में हूँ और न्याय संगत बात होने के लिए उनको तत्काल जो है अपने पद से पृथक कर इसकी जांच करने की ज़रूरत है। क्या आप विपक्ष और की भूमिका के नाते भी कुछ करेंगे या कुछ अधिकारियों से बात करेंगे कि ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, महिला को न्याय नहीं मिल रहा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मामा भांजिया बताते हैं, मामा भांजियों के साथ आए दिन इस तरह की घटनाएँ घटित होती हैं। तो मैं रीवा में कोई मामला हो, हर किसी राजनिवास मामला का कांड हो या कोई भी कांड हो या बहुती में महिला को कूड़े में फेंकने का मामला, बलात्कार करके फिर मामला हो, ऐसे तमाम मामलों में मैं जो है हमेशा से बोलते आया हूँ, विपक्ष की भूमिका निभाता हूँ। लेकिन सिमरिया का मामला है, सिमरिया में मैं चाहूँगा कि पूर्व विधायक अभय मिश्रा जो कि वो भी इस मामले में संज्ञान लें और सड़क में उतरे हैं इस बात को देखते हुए, और केपी त्रिपाठी से कई बार उन्होंने मुझे बताया, केपी त्रिपाठी से मिलने भी गई मैं, उसके बावजूद संज्ञान लें तो बहुत ही शर्मनाक बात है। मित्र विधायक केपी त्रिपाठी कि आपको जो है आपने अपने मित्र के लिए इस प्रकार नहीं किया, अगर ये जैसा भी है इसको तत्काल इसकी जाँच करानी चाहिए, बहुत बड़ा आरोप है और इस मामले को लेकर मैं जो है सड़क पर उतरूंगा, महिला मेरे जो जब भी चाहेंगी मेरे लोगों से संपर्क हुआ उनसे और वो बोली हैं जब रीवा आएंगी संपर्क करेंगे और प्रशासनिक अधिकारियों मैं जरूर दबाव बोलूंगा अपनी तरफ से, और अगर ऐसा नहीं होता, न्याय उसको नहीं मिलता, तो मैं सड़क में उतर के धरना आंदोलन प्रदर्शन करूंगा। हमारे दो पक्ष हैं, इसलिए हम जेल आ रहे हैं, नहीं तो हम तो इस दुनिया में रहना नहीं चाहते। आरोप लगाने वाली महिला कोई अनपढ़ नहीं है बल्कि एक शिक्षित है और कई वर्षों से शिक्षिका के पद पर नौकरी कर रही है, जिसके साथ इस तरह का अन्याय हुआ है। महिला ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों की जांच पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष रूप से करनी चाहिए। अगर महिला किसी राजपात्रित अधिकारी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाती है तो जवाबदारी और भी बढ़ जाती है कि आखिर एक महिला इस तरह के आरोप क्यों लगा रही है।
क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी? ये जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, क्या उन्हीं के द्वारा महिलाओं का शोषण किया जा रहा है? उक्त मामले को लेकर जब सिरमौर SDM नीलमणि अग्निहोत्री से फोन में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि महिला के आरोपों को उन्होंने पूरी तरह से निराधार बताया और कहा कि महिला से मेरी कभी कोई मुलाकात ही नहीं हुई, उनके घर कार्यालय में सभी जगह कैमरे लगे हुए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने ये कहा कि कैमरों की जांच की जा सकती है। उक्त मामले में चाहिए कि प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से ले और जांच कर सारी सच्चाई पता करे, जिससे कि किसी भी महिला का इस तरह से शारीरिक शोषण ना हो और ना ही किसी अधिकारी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाएं। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज़ के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।